रीवा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां टैंक में गिरने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 3 बच्चियों के टैंक में गिर जाने से मौत हो गई। दरअसल तीनों बच्चियां नागपंचमी के दिन कपड़े की गुड़िया बनाकर पानी में बहाने के लिए गई थी, जिन्हें जल भराव के चलते वहां बने टैंक का पता नहीं लग पाया और उनका पैर फिसल गया और वह टैंक में गिर गई, जिसके चलते 3 बच्चियों की मौत हो गई। सूचना मिली थी कि 3 बच्चियाँ जो है दुखद दुर्घटनावश जो है पानी में डूब गई हैं और उनका देहांत हो गया है, तो उन बच्चियों के शव लेके जो है हॉस्पिटल होते हुए मर्चुरी ट्रांसफर करवा रहे हैं। यहाँ टैंक खुदा था, पुत्री बहाने गई थी तो उसमें पैर हल्का गया है, गिर गई नीचे। टैंक जिसकी जमीन है राजू रजक, लगभग हमारे बराबर इतना था, हम घुसे थे ना उस निकालते समय इतना था। बच्चियों को क्या पता, वो तो छोटे छोटे है ना, तो उनको क्या पता लग रहा था। नहीं, बाकी उनको मालूम है कि यहाँ गड़ही है, टैंक खुदा है, सब मालूम था, वे थोड़ी जानती थी कि हम गिर जाएंगे उसमें। वहीं 3 बच्चियों के शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चियों के परिवार में मातम का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, रीवा।